रेन लिली के पौधे पर फूल आने बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो चलिए एक टिप के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे आप ढेरों फूल अपने पौधे पर ले सकते हैं। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। मेरे रेन लिली के पौधे का हाल कुछ इस तरह से था। फूल आए काफ़ी टाइम हो गया था और सीड्स बनने लगे थे और मुझे कोई कली भी नज़र नहीं आ रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी नुमा हो गया है। अगर आप इसको कट कर देंगे, मैं इसकी आज कटिंग कर रही हूँ, इस कटिंग को करने के बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आप उसको सिर्फ 2 इंच तक नीचे छोड़नी है और उसके बाद ऊपर की सारी कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो प्लांट में फ्लावर आएंगे, जो फ्लावरिंग होगी अब, वो इतनी बढ़िया होगी। ये फ्लावरिंग बूस्टर की तरह काम करेगा। इस तरह से आपके प्लांट की जब कटिंग होती है, आपको पता ही है जिस तरह से कटिंग होने पर घना बनता है, प्लांट ज़्यादा बनेगा और एनर्जी उसकी पत्तियों में नहीं जाएगी, फिर उसमें से कलियां निकलेंगी। तो आप यकीन मानिए, इन सीड्स को आप अगर रखना भी चाहें तभी भी आपका फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग नहीं, जो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप उसको इस तरह से पकड़ कर कट कर दें, ताकि जो आपका प्लांट है वो एक फिर से नया जीवन ले और एक नया एनर्जी के साथ फ्लावर्स प्रोड्यूस करे। तो ये सीड्स वगैरह आप नहीं चाहिए हैं, सीड्स तो वैसे भी बनते रहते हैं। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी रेन लिली के प्लांट हैं, मैं सबकी कटिंग कर रही हूँ। जब सारा आप कट कर लेंगे, तो जो दूसरा आपको काम करना है वो है ये जो घास है इसको फेंकना नहीं है। मैं इसको कंपोस्ट बिन में डाल रही हूँ। आप भी इस तरह से कंपोस्ट बिन में डालें तो आपको कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या काम करना है, आपके जो प्लांट में जो घास लगी हुई है, एक्स्ट्रा वीड लगी हुई है, आप उसको निकालेंगे, ताकि जो आपके प्लांट की एनर्जी है वो फ्लावरिंग में जाए, ना कि किसी वीड उसको ख़राब करे। एनर्जी वीड लेती रहती है, बहुत सारी वीड हो जाती हैं तो फिर सारी एनर्जी ये वीड ही ले लेती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और सारे प्लांट की एनर्जी करते रहते हैं। इससे आपका प्लांट रहेगा तो सही, लेकिन वो बहुत अच्छी ना फ्लावरिंग करेगा ना वो देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आपके जो प्लांटर में घास फूस लगी होगी या साइड में कुछ भी घास उगी होगी, अनवांटेड वीड होगी, आप उसको आराम से निकाल कर हटा दीजिए। इसके बाद आप इसमें कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने कंपोस्टिंग नहीं की है क्योंकि दिल्ली में अभी भी तेज़ बारिश होती है और आप 2 दिनों के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी सारी कलियाँ निकल कर आई हैं और अगर मैंने यहाँ पर कंपोस्टिंग की होती ना, तो इससे जस्ट डबल कलियाँ होती। आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारी दूसरे ही दिन की ये वीडियो है, सिर्फ 2 दिन बीच में गए हैं। आप देख सकते हैं पूरा जो प्लांटर है वो लगभग लगभग कलियों से भर गया है, बहुत सारी कलियाँ निकल कर आई हैं। तो ये वाली जो टिप है, आप ज़रूर से
फॉलो करें। जब भी आपका प्लांट घास की तरह बढ़ने लगे और उसमें फूल आने बंद हो जाए, सीड्स बनने लगे, उनको कट करके हटा दीजिए। ये ग्रोथ की तरह काम करता है। और जब ये फूल खिले हैं 2 दिन बाद, तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही है, तो आप अभी भी इसमें कंपोस्ट डालिए 1 मुट्ठी, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप भी अपने रेलिंग पर ढेरों फ्लावर्स चाहते हैं, तो ये टिप ज़रूर फॉलो करें। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। Like, hello.